किसान आंदोलन के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रस्तावित कार्यक्रम चक्का जाम के आह्वान पर बरडोद कस्बे के मुख्य राजमार्ग पर दोपहर को करीब 12 से 2 बजे तक कांग्रेस के पदाधिकारियों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने राजमार्ग पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कांग्रेस के अनेक नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ और किसानों के समर्थन में भाषण भी दिए। वहीं चक्का जाम के दौरान वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। चक्का जाम के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर बहरोड थाना पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बस्तीराम यादव, अरसी यादव, बहरोड के पूर्व प्रधान सुमन देवी, नंदराम ओला, ब्रजनंदन, विजय यादव, प्रदीप यादव, मनवूल सैनी, विक्रम सिंह, रविकांत सैनी, कृष्ण वाल्मीकि सहित कांग्रेस के कई लोग मौजूद रहे। जब भंडारण का काम अडानी और अंबानी के हाथों में आ जाएगा तो डिमांड और सप्लाई की वापस लिया जाए और एमएसपी को से नीचे किसान की फसल को नहीं खरीदा जाए। ये इस धरने के माध्यम से 3 प्रस्ताव पारित करके और 2 बजे इस धरने का समापन किया गया है। आप सब लोग पधारे, इसमें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।